सबसे पहले बाइक न्यूट्रल में आप लोगों ने चेक कर लिया। अब देखो इसका, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो गए, बिल्कुल सेफ हो गए। तो भाई कुछ लोग थे जिनके बाइक में ना स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, एक भाई और थे जिनके बाइक में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आई थी, तो उन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया, एक वीडियो भेजा, तो वीडियो देख के मुझे कुछ आइडिया हुआ। तो सबसे पहले भाई का आप लोग इंस्टा वाला मैसेज और वीडियो दोनों को चेक कर लो, उसके बाद मैं अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा भाई की बाइक में ना स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा भाई का कहना था। भाई की बाइक 2 से 3 बार के बाद स्टार्ट हो रही थी। अब इसमें क्या था ना, बाइक में प्रॉब्लम नहीं था। देखो प्रॉब्लम बाइक से रिलेटेड प्रॉब्लम वाली मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये उसी दिन वीडियो शूट हो रही है, वो अलग टॉपिक था, ये अलग टॉपिक था। उसमें कुछ लोग की बाइक में जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम आई थी वो अलग है, इसीलिए इन भाई का मैंने स्क्रीनशॉट उसमें डाला ही नहीं, इनकी प्रॉब्लम ही अलग थी। अब वो क्या रहा था ना कि भाई ऐसे स्टार्ट कर रहे थे बाइक को, एक्सीलेटर नहीं ले रहे थे। उन भाई को सही से शोरूम वालों ने बताया नहीं, बाइक में एक्चुअली क्या है ना, वन टच स्टार्ट नहीं आता। ये KTM's की बाइक में आता है कि आपने एक बार यहाँ पे पुश किया, बाइक स्टार्ट हो गई। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको ऐसे दबाते हुए ना एक्सीलेटर भी लेना है। तो भाई बार बार वही गलती कर रहे थे, एक दो बार उन्होंने किया तो उनसे स्टार्ट नहीं हुई, इसीलिए मैंने उनको ऑडियो भेजी, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा कि आप एक बार ऐसे ट्राई करो। तो जैसे ही उन्होंने ऑडियो सुनी उसके बाद ट्राई किया तो स्टार्ट हो गई भाई। तो इस बाइक में वन टच स्टार्ट नहीं है। अगर कुछ लोग उन्हीं के जैसे स्टार्ट कर रहे हो तो भाई वैसे स्टार्ट मत करो, कभी भी बाइक को स्टार्ट करो ना तो एक्सीलेटर जरूर लेना। अब जैसे मेरे में भाई स्टैंड वाली प्रॉब्लम है, नॉर्मली स्टार्ट हो रही है बाइक, ठीक है। पुरानी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ पुरानी वाली वीडियो चेक कर लें, एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। बाइक को न्यूट्रल में करता हूँ ना, उसके बाद स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको मैं। सबसे पहले बाइक न्यूट्रल में आप लोगों ने चेक कर लिया। अब देखो इसका क्या सीन है ना, ये एक बार में कुछ लोगों में स्टार्ट हो जाता है, सिंगल टच पे आप दबाओगे एक्सीलेटर नहीं लेना पड़ेगा, स्टार्ट हो जाएगा। बट मेनली क्या होगा कि आपको एक्सीलेटर भी साथ में लेना है। अब देखो मैं सिंगल टच करूँगा, मेरी वाली में हो जाता है, देखो मेरी बाइक स्टार्ट हो गई, कुछ लोग की नहीं होती। अब इसको यहाँ से बंद करेंगे। अब देखना, अगर आप में ना हो रही हो तो आप लोग ऐसे ट्राई करो, यहाँ से आपको स्विच दबाना है, उसके बाद साथ ही में एक्सीलेटर लेना है। देखो ये दबाया, हो गई, नॉर्मली स्टार्ट होगी। तो ऐसे ट्राई कर सकते हो आप लोग, ऐसे ट्राई करना। इसमें वन टच, जहाँ तक मुझे पता है, वन टच स्टार्ट नहीं आता है, KTM's की बाइक्स में ही आता है। तो इससे आप लोग की स्टार्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व होगी जो ऐसे गलत स्टार्ट कर रहे हैं। तो सो भाई ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी, जो लोग ऐसे स्टार्ट कर रहे थे जैसे भाई ने किया है, तो एक बार ऐसे ट्राई करना। अगर आपकी ऐसे करने पर भी स्टार्ट ना हो तो प्लीज़ जाना है एक बार सर्विस सेंटर पर चेक कराना। सर्विस सेंटर ना सुने कुछ मत बोलना, कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं, सीधे पहले बजाज को मेल डालना, वहाँ पे कस्टमर पे कॉल करना, कस्टमर केयर पे उनको बताना मेरी बाइक में ऐसी ऐसी दिक्कत है, सर्विस सेंटर नहीं सुनना है, आप हेल्प करो, वरना एक्चुअली लिख देना कि भाई मेरे पैसे रिफंड कर दो, ठीक है। तो उनको ज़रूर बताना सर्विस सेंटर अगर आपसे मिसबिहेव करे, सही से आपकी बात ना सुने, क्योंकि हमेशा याद रखना सर्विस सेंटर आपकी वजह से चल रहा है, आपका घर सर्विस सेंटर की वजह से नहीं चल रहा भाई। 1,60,000 बहुत होते हैं, वरना ये बाइक हर घर में होती है, ठीक है। तो बहुत मेहनत से पैसे आते हैं, तो भाई मुझे लगता है कि शोरूम, सर्विस सेंटर और जो बजाज है उनको भी उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि कस्टमर आपकी बाइक्स ले रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना। तो मेरे साइड से जितनी हेल्प होती है मैं आप लोग की हमेशा करता हूँ। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।